हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू नेचुरल ब्लॉगर रंजन ब्लॉग्स। और आज हम करने वाले हैं सरार फिल्म का एक तगड़ा सा रिव्यू। और क्या बोले साला, सरार एक तगड़ा मूवी है। अगर आप देखेंगे तो पूरा हिल जाएंगे, पूरा पूरा उसका जो क्या प्रभास का जो एक्टिंग है, क्या प्रथमा शुक्रान का क्या दोस्ती का जो एक्टिंग है, उनका जो वेज है, और क्या प्रशांत नील का डायरेक्शन है। व्हाट ए मूवी मैन, व्हाट ए मूवी। पूरा इस मतलब इस साल का जो आखिरी में जो क्रिसमस में जो आया है ना, वन ऑफ द हाईएस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है सलार। और सलार अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि लियो का भी फास्ट डे फास्ट शो का रिकॉर्ड काट देगा, और प्रभास मुझे लग रहा है 150 करोड़ के आर पार ओपनिंग होगा। और मुझे जो लग रहा है सलार फिल्म और उसका जो भी है, उसका अगर आप देखेंगे फास्ट हाफ, फास्ट हाफ में पूरा बेस है उसका। जो सेकेंड इंटरवल का पहले ही प्रतिभा सुकुरान का एंट्री होगा, और व्हाट ए मूवी मैन। ये तो लगभग आप देखेंगे तो दो पार्ट में ही मूवी बनेगा। और क्या शानदार मूवी बना है, क्या एक्टिंग है, क्या एक्शन है, क्या बेस है, और क्या प्रभास का एक एक्टिंग है। जो 3 साल बाद उनका कंप्लेन था कि बाहुली के बाद एक लार्जर देन लाइफ में जो आए हैं सलार में, व्हाट एन एक्टिंग। और प्रशांत नील का अगर देखा जाए तो पहले वो इंटरव्यू में बोले थे कि उनका एक जो प्लॉट है कि प्रभास का जो इनोसेंस के बाद जो पहले जो एंग्री यंग मैन जो ट्रांसफर्स होगा वो दिखाएंगे, और काफ़ी इस फिल्म में वो दिखाया है। और काफ़ी यहाँ पे और उनका जो भी बेस था वो सारा कंप्लेन दूर हो चुका है प्रभास फैन का, कि 3 बैक टू बैक उनका जो फिल्म आया था आप देखा जाए बाहुबली के बाद साहो हो गया, राधे श्याम हो गया, उसके बाद आया था आदि पुरुष, उसके बाद उनको जो परफेक्ट जो लार्जर देन लाइफ में जो लाए थे वो प्रशांत नील है। सरल का पार्ट 2 भी आएगा, आप देख सकेंगे उसका एंड में। और क्या एक्शन है, और जो सेट में पहले ही मेरा रिव्यू में बोला था कि ये लगभग उनका जो कहानी है उर्गम की तरह नहीं है। अगर आप देखें 9 साल पहले एक उर्गम मूवी आया था, और उर्गम के जो कहानी तो सेम नहीं लगभग उसका इंस्पायर हुआ है, और दोनों दोस्त का जो कहानी है इंस्पायर है। और सारार का कहानी तब बदली जब दोनों दोस्त आपस में दुश्मन बन गए, और खान सार का आखिरी किंग ही सलार। और क्या मूवी है, क्या मूवी है। और प्रशांत नील बोले थे कि उर्गम को वो पूरा नेशनल चेन में लाएंगे, तो लेकिन वो हो नहीं पाया था 9 साल पहले। और काफ़ी सालार वो लाया है, वन ऑफ द बेस्ट मूवी है प्रभास का, जो भी 3 साल बाद लार्जर देन लाइफ रिकॉर्ड है, और बेस्ट मूवी। आप फास्ट आप देखेंगे तो काफ़ी आपको मज़ेदार प्लॉट मिलेगा, दोस्ती का कहानी मिलेगा, प्रभास का इनोसेंस लाइफ में मिलेगा। तो कहानी एंड हो सेकेंड हाफ के बाद ही रोनी होगा, और काफ़ी बेहतर मूवी है, वन ऑफ द हाइस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है। और आप देखिए, थिएटर में जाइए और पूरा भरपूर एंजॉय करिए। और लगभग सुनने में आ रहा है कि RRR का रिकॉर्ड भी सलार काट देगा, क्योंकि जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट है वो काफ़ी तगड़ा है। मुझे लग रहा है कि 150 करोड़ के आर पार ओपनिंग लेगा। और जाइए थिएटर में, नज़दीक थिएटर में देख लीजिए सलार। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब प्रेस बजाकर, होप यू लाइक द वीडियो। टाटा बाय बाय सलार।